पहले मैंने ये 8 इंच का कार्डबोर्ड लिया है और ये वाइट ऊन को डबल कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से इक्वल इक्वल लपेट लेंगे। मैंने इस ऊन को डबल लिया है और ये 50 बार इसको मैंने लपेट लिया है। अब हम इसमें गांठ लगा लेंगे और ये सुई अंदर से डालते हुए इधर से हल्का सा गांठ लगा लेंगे और दूसरी साइड से भी हम इसको गांठ लगा लेंगे। अब हम इसको आराम से निकालेंगे जिससे कि धागे एक दूसरे के ऊपर ना चढ़ें और इनको इस तरह से खींच लेंगे। अब हमने ये गांठ खोल के और इसको दोबारा अच्छे से बिल्कुल टाइट करते हुए ये ऐसे लगा लेंगे। अब मैंने ये 5 इंच का कार्डबोर्ड लिया है और इस पर मैंने ये 20 बार धागे को लपेट लिया है। ये डबल धागा है और इसको मैंने 20 बार लपेट लिया। अब इसमें भी हम इसी तरह से दोनों साइड से गांठ लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे इसको इस तरह से करके ब्लू कलर के धागे से गांठ लगा लेंगे। ये गांठ लगा ली हमने। अब हम ये जो हमने मार्क्स लगाया है इसको हम इस तरह से खोल के और यहाँ पे ये जो हमने धागे लपेटे हैं इसको हम इस तरह से बीचों बीच डाल लेंगे और ये हमारे बिल्कुल इक्वल दोनों साइड से बराबर आने चाहिए। और इसको हम इस तरह से टाइट पकड़ते हुए ये गांठ लगा लेंगे। अब हम ये प्लास्टिक की कोई भी प्लेट ले लेंगे, ये डिस्पोजर वाली प्लेट थी और इसको मैंने इस तरह से काट लिया है। अब हम इसमें ये धागा लगा लेंगे ब्लू कलर का। ये मैंने धागा लगा लिया और ये हमने छोटा सा एक और टुकड़ा काट लिया है और इस पर इस तरह से ये फोल्ड कर लेंगे और इसको यहाँ पे बीचों बीच लगा देंगे। ये हमारी डॉल की कैप बन गई है। अब हम इस कैप को डॉल में जॉइंट कर देंगे। आप चाहे सुई से भी कर सकते हैं। मैंने ये एक प्लाई पे प्लाई का टुकड़ा पड़ा था उस पर मैंने ऊन लपेट ली है और अब हम इसको इस तरह से इस पर चिपका देंगे। अब जो हमने ये नीचे धागा लगाया था इसको हम खोल लेंगे और ये धागे को इस तरह से हल्के हाथों से फैला लेंगे जिससे कि उलझे ना। और हम ये 4 धागे लेंगे और इसमें क्रोशिया से ये 3 बार हमें डबल क्रोशिया करना है। एक की चेन फिर 4 धागों के अंदर से 3 बार डबल क्रोशिया करना है। हमें हर बार 4-4 धागे लेने हैं और 3-3 बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए मैंने एक लाइन पूरी कंप्लीट कर ली है और अब हम ये दूसरी लाइन भी कंप्लीट करेंगे बिल्कुल सेम पैटर्न से। अब हम ये वाइट कलर का धागा लिया है और इसी तरह से हम 3 बार डबल क्रोशिया लेंगे फिर 2 की चेन। पहली लाइन में हमने बीच में 1 की चेन छोड़ी थी, इसमें दूसरी लाइन में हम 2 की चेन छोड़ेंगे और इसी तरह से ये लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो मैंने इसी तरह से ये 3 लाइन कंप्लीट कर ली है और ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। अब हम बिल्कुल कोने से यहाँ से वाइट धागे को जॉइंट करेंगे और हमें 7 की चेन बनानी है 7 टाइम और इस तरह से यहाँ पे जॉइंट कर लेना है बीच बीच में और 7 की चेन बनाते हुए हमें चारों साइड से इसी तरह से जॉइंट कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे हमने एक बार तो ये कर लिया। अब दूसरी बार में हम 9 की चेन बनाएंगे 9 टाइम्स और इसको ऐसे बीचों बीच से जॉइंट करते हुए चले जाएंगे। ये जो डिज़ाइन है बनाने बहुत आसान है तो ये मैंने इस तरह से बना लिया। अब हम नीचे इसमें लटकन लगा देंगे। पहले हम इसको यहाँ पे जॉइंट कर लेते हैं। ये देखिए तो ये आधी अधूरी ही देखने में अच्छी लग रही है।
तो हमने ये इस तरह से लटकन बनाई और इसको इस तरह से गांठ लगा दिया, और बाकियों में भी हम ऐसे ही गांठ लगा लेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा आइस लगा देंगे। आप कोई भी कलर के मोती वगैरह ले लें और इस तरह से लगा दें। फ्लावर लगा दिया, कोई भी आपके पास फ्लावर पड़ा हो आप वो लगा दें। और ये देखिए, अब हम इसकी बाजू बना लेंगे इस तरह से गांठ लगा के। तो ये हमारी डॉल तोरण भर करके तैयार हो गई है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा, पसंद आया या नहीं, हमें बताएं। और हमारे और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। थैंक यू।